अब खसरा और फसल बीमा में आधार नंबर दर्ज कराना हुआ अनिवार्य, किसानों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। फसल बीमा और खसरा में आधार नंबर के जोड़े जाने से किसानों को खेती बाड़ी में होने वाले फ्रॉड से राहत मिलेगी, साथ ही कर्ज और मुआवजे की सभी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने खेती बाड़ी में फ्रॉड को रोकने के लिए एक खास तरह की योजना बनाई है, जिससे अब किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने फसल बीमा और खसरे में आधार कार्ड नंबर दर्ज कराना अब अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत खेती पर कर्ज और मुआवजे की सही जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। सरकार इस योजना की शुरुआत लैंड डिजिटाइजेशन के तहत करने जा रही है, जिससे अब कर्ज और मुआवजा लेने वाले कार्यों में होने वाली गड़बड़ी को आसानी से रोका जा सकेगा। असल में ऐसा देखा गया है कि किसान सरकारी योजनाओं का ज़्यादा लाभ उठाने के लिए फर्जी तरीका अपनाते हैं। वो एक ही खेत पर कई बार कर्ज और मुआवजा लेते हैं, जिस वजह से किसानों द्वारा कर्ज का भुगतान समय पर नहीं होता है और उनकी ज़मीन जब्त हो जाती है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा ये खास योजना शुरू की जा रही है। यहाँ आपको ये बता देते हैं कि आधार नंबर दर्ज होने से क्या क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले खसरा किस किसान के नाम है, इस बात की सही जानकारी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होगी। कर्ज और मुआवजे का सही रिकॉर्ड दर्ज होगा। किसानों द्वारा लिए गए दो बार कर्ज की जानकारी तुरंत प्राप्त होगी। एक ही आधार पर दो बार कर्ज लेने की गड़बड़ी का पता आसानी से चल सकेगा। इस योजना से सचल चेकिंग सिस्टम की सुविधा मिलेगी। आधार नंबर दर्ज होने से खेत मालिक के नाम का पता चल सकेगा। प्रदेश में इस योजना की शुरुआत लैंड डिजिटाइजेशन के तहत की जा रही है। इस योजना पर राजस्व विभाग और कृषि विभाग दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्व विभाग की तरफ से लैंड डिजिटाइजेशन पर करीब 80% कार्य पूरा हो चुका है और अब विभाग की तरफ से इसे अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।